अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे केके न्यूज़ जिंदगी में स्वागत है। दीपिका और रणवीर ने बीजेपी ज्वाइन किया, चुनाव में कर रहे हैं पार्टी का प्रचार। पूरे देश पर चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। बॉलीवुड सितारे अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच रणवीर दीपिका पादुकोण की एक तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दोनों बीजेपी का प्रचार करते दिख रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरे देश पर चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है और लोग वह प्रचार भी कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बीजेपी लिखा गमछा डाले नजर आ रहे हैं। दीपिका और रणवीर एक भावना रंग का गमछा ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर वोट फॉर बीजेपी मोदी लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर दीपिका और रणवीर की तस्वीरें बिहारी सौ पे भारी नाम के ग्रुप ने शेयर की है। तस्वीरों के साथ लिखा हुआ कमल का बटन दबाकर देश की तरक्की में भागीदारी बने। इन तस्वीर को करीब 5,500 लोगों ने शेयर किया है और 17 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। लोग चौंक रहे हैं कि क्या वाकई रणवीर दीपिका ने अपनी फिल्मों की शूटिंग छोड़ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बता दें कि इन तस्वीरों की सच बातें क्या हैं। दीपिका रणवीर की तस्वीरें तब की है जब दोनों शादी के बाद मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। शादी के बाद 30 नवंबर को रणवीर दीपिका दर्शन के लिए सिद्धि विनायक मंदिर गए थे। मंदिर में दोनों को भावना साल दिया गया था, लेकिन उनकी तस्वीर को फोटोशॉप चुनावी प्रचार के लिए किया जा रहा है। फोटोशॉप की कई तस्वीरें का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया है। दीपिका रणवीर लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। दीपिका इन दिनों फिल्म छपा की शूटिंग कर रही हैं, वहीं रणवीर सिंह कपिल देव की बायोपिक 38 में बिजी हैं।